यार जब मैं अपने वर्ल्ड में आया, सर्वाइवल वर्ल्ड में, तो यार देख सकते हो यार क्या हो चुका है अभी मेरे वर्ल्ड को। और तो यार मैं इस ना यार मोमेंट में बहुत भाई सैड हो गया यार। मैंने बहुत चीज़ें आसे पासे यार बहुत यार घूमा और एक्सप्लोर करके भाई देखा थोड़ा सा क्या यार, बट यार एकदम से भाई फ्रस्ट्रेशन होने लगी यार, गुस्सा आने लगा। और यार ऐसा भी हो रहा था भाई, कौन ही ऐसा करेगा, आखिरकार मेरे सिवाय कौन ही है भाई इस वर्ल्ड में। और बट यार एक यार लाइक यार मन भी भाई सारा टूट चुका था, और एक गुस्सा भी आ रहा था भाई बहुत ज़्यादा कि किसने किया यार। लाइक यार उस बंदे को आज मैं पार दूंगा भाई जिसने भाई ये किया होगा मेरे वर्ल्ड का हाल। बट यार पता ही नहीं यार हम क्या करें यार। आप देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक लेवल की डिस्ट्रक्शन की है। और यार ये TNT का काम तो यार किसी ऐसे लाइक हो नहीं सकता कि किसी बंदे ने अगर TNT फोड़ दिए यार। ये बहुत बड़ा भाई इम्पैक्ट आई है। देखो भाई एक भी घर नहीं छोड़ा विलेजर्स का मेरा भाई। आयरन फार्म तक ये देखो भाई तबाह कर दिया इन्होंने, आयरन फार्म तक भाई। पता नहीं यार किसने किया, क्यों किया यार, कैसे यार किया। अभी और ये मेरा आकर भाई दिल बहुत ज्यादा टूट चुका था, क्योंकि यार जो हमने वीट फार्म इतनी मेहनत से भाई बनाया था कि आगे जाकर भाई विलेजर्स की ब्रीडिंग करेंगे और आयरन फार्म बनाएंगे, तो यार वो भी एक पूरी तरह से भाई तबाह हो चुका था। और यार कुछ नहीं भाई मेरे मन में सूझ रहा था। और यार आगे यार देखना किस लेवल की भाई डिस्ट्रक्शन की है यार। पता नहीं यार किसी से दुश्मनी भी नहीं भाई, क्या हुआ भाई वर्ल्ड को एकदम से भाई एक रात में ज्वाइन। सोचो भाई आप ज्वाइन करते हो वर्ल्ड को और आप ये सब देखते हो यार, आपने मेहनत की हुई वर्ल्ड में माइंड का भी भाई सत्यानाश कर दिया। और यार ये एक चीज भाई मुझे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगी कि यार मैग्मा ही मैग्मा क्यों है हमारे वर्ल्ड में। लाइक जहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है वहां पर मैग्मा ही मैग्मा है भाई। तो फिर यार मेरे भाई एक और भाई लाइक एक दिमाग में भाई चीजें चलने लगी कुछ की, क्या यार ये लाइक मैग्मा ही मैग्मा क्यों है भाई। तो देखना अभी भाई आप आगे आगे देखना यार किस खतरनाक लेवल की डिस्ट्रक्शन है मेरे वर्ल्ड में। तो देख सकते हो कि कितना बड़ा ये गड्ढा कर दिया इस वर्ल्ड में। पता नहीं यार क्या यार मीटीरॉयड्स का अटैक हुआ यार, क्या स्पेस से कुछ आया है, कुछ भी भाई मुझे समझ नहीं आया। यहाँ भाई किसने जानबूझकर किया है कुछ समझ नहीं आ रहा। और यार यहाँ पर आते ही मुझे एक नेगेटिव सी भाई अलग सी एनर्जी फील होने लग गई बहुत यार, लाइक और ही भाई चीज फील होने लग गई यार। समझा नहीं सकता कि कैसा, यहाँ पर एक डिफरेंट सी एनर्जी थी भाई यहाँ पर। बट यार मुझे यार पता नहीं यार ये खींच रही थी भाई यहाँ पर जाने के लिए, बट यार मुझे डर भी लग रहा था एक तरीके से। तो फिर भाई मैंने ना ज्यादा देर लाइक मैं नीचे चला गया, बट फिर मैं ऊपर आया। और अभी भाई आप हैरान हो जाओगे ये बात सुनकर, लिटरली भाई इतने खतरनाक अटैक में सिर्फ एक विलेजर बचा भाई, सिर्फ एक ये वाला, ये भाई सिर्फ एक विलेजर बचा यार। इतना खतरनाक अटैक हुआ कोई विलेजर नहीं बचा आसपास भाई, ऐसा कि कोई भाग भी जाए, बट नहीं यार कोई भी विलेजर नहीं बचा। फिर यार मैंने इससे बात की, पूछा यार क्या क्या हुआ इस वर्ल्ड में। भाई फिर मुझे एक चीज बहुत खतरनाक चीज पता लगी यार, पता नहीं ये सच है या झूठ बोल रहा है भाई ये, बट यार मैं अभी कुछ नहीं भाई इस पे यकीन भी नहीं कर सकता। लाइक अभी तो यार इसने बताया कि रात को भाई गाइस कोई ना लाइक UFO ऐसा कुछ आया था, कोई एनर्जी आई थी भाई लाइटनिंग की वजह से इसको दिखी नहीं, तो बहुत तेज ये कह रहा है कि एक अर्थक्वेक भी आया साथ में, तो बहुत तेज धमाके होने लगे और पता नहीं क्यों किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब और अभी यार हमें ना इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी मैं एक जगह पर जा रहा हूँ कि हमें ना वहीं से ही पता लग सकता है कि क्यों हमारे वर्ल्ड में यार ये क्या हो रहा है। ये किसी का भाई अटैक है, किसी की लाइक जानबूझकर किया है, या यार कोई लाइक स्पेस में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर मैं सीधा भाई चल दिया उस जगह को ढूंढने के लिए, लाइक वहां पर उनसे हेल्प मांगने के लिए, या आप कह सकते हो उनसे इस चीज की मिस्ट्री जानने के लिए। तो हाँ फाइनली मैं यहाँ पर भी आ गया था। और एक चीज देखकर भाई मैं बहुत स्केर्ड था, क्योंकि यार सिर्फ हमारे गांव पर नहीं अटैक हुआ, यहाँ पर भी देखो आप कैसे मैग्मा कैसे यार बुरा हाल कर दिया है इस वर्ल्ड का। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, क्यों यार लाइक
यहाँ पर क्या हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। यहाँ पर भी इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, बट शुक्र है कि ये विलेज के अंदर नहीं आई, विलेज के आउट बाहर ही बाहर थी। बट कुछ विलेजर्स के हाउस तो ये इस डिस्ट्रक्शन ने भाई तोड़ दिए थे। आप देख सकते हो कि भाई बीच बीच में तो कांच भी टूटे हुए थे, इतनी खतरनाक वेव्स लगती हैं इस चीज़ की। तो खड्डे ही खड्डे भाई, मैग्मा ही मैग्मा, और डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैग्मा की भाई बरसात हो रही थी। और फिर फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया जिसको मैं मिलने आया था। तो आप हिल जाओगे भाई उसकी बात सुनकर। यार इसने मुझे बताया कि ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे विलेज में नहीं हो रहा, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। यस भाई, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और दो यार एंटिटीज, पता नहीं यार क्या है वो बंदे। और इसने बताया कि यूनिवर्स में एक बहुत डिफरेंट, भाई कब की ये बहुत पुरानी बात है कि लाइक दो बंदे थे और उन दोनों की भाई तब से ही भाई लड़ाई चल रही है। और उन्होंने तकरीबन भाई 50 से 60 वर्ल्ड ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अभी हमारे वर्ल्ड में वो एंटर हो रहे हैं, बट अभी पूरी तरह से हुए नहीं। उसके ना कमांडर्स आए हैं, लाइक उसके जो चेले होते हैं तो वो आए हैं हमारे वर्ल्ड में, और दो बंदों की लड़ाई चल रही है। और उनको यार ऐसा क्यों कर रहा है भाई वो ऐसा? तो यार वो उनकी ना पावर्स बढ़ती हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर कर। जितने वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करेंगे उतनी उनकी पावर्स बढ़ेंगी। तो बहुत तो उन्होंने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय की हैं। और इसने अभी यार हम एक चीज जहाँ पर जा रहे हैं भाई, बहुत अभी लाइक मुझे पता नहीं भाई मैं वापस आऊँगा कि नहीं। तो इसने भाई मुझे बताया कि एक जगह है, वही तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। हमें टाइम ट्रैवल लाइक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वहाँ पर भाई एक राजा है, तो उसकी लाइक वहाँ पर हमारी हेल्प हो सकती है अगर लाइक वो चाहें। और यार अभी यार मुझे यार ऐसा लगता है कि यार ये धीरे धीरे जगह करप्ट हो रही है। और इस बात का डर है कि यार ये विलेजर भी तो नहीं उनके साथ रला हुआ और झूठ बोल रहा। तो बट यार अभी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यार हम ऐसे उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि यार वो बहुत पावरफुल है। उनके यार एंटर होने के सार ही, उसने भाई अभी कुछ नहीं किया और वो एंटर हो रहे हैं भाई। और हमारे वर्ल्ड की यार देखो कैसी भाई ऐसी तैसी होगी हमारे वर्ल्ड की। तो फिर यार मैं फटाफट से तैयारी कर कर भाई चल दिया उस लाइक जहाँ पर हमें लोकेशन मिली है। हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा यार, तो अभी चलते हैं। तो हाँ अभी मैं उस जगह पर आ गया था। तो थोड़ी सी ढूंढा डांडी करने के बाद हमें वो जगह फाइनली मिल गई जहाँ पर पोर्टल है एक। तो उस पोर्टल में भाई जाकर आप लाइक वो जगह भाई मुझे मिल गई। और ये भी भाई अजीब सी जगह थी, क्योंकि टॉर्चेस लाइक केव में कौन ही लगाता है, ठीक है। तो फिर मैं भाई उस पोर्टल पर चला गया और वो जो आपको दिख रहा है, और वो बहुत ही स्केरी मोमेंट था मेरे लिए। क्योंकि यार कुछ भी नहीं पता हमारे यार कहाँ पर इसका एंड है, कुछ भी नहीं पता। बहुत स्केरी मोमेंट था। और मेरे पैर पैर यार जब मैंने इसके अंदर रखा, एक अलग ही भाई डर लग रहा था कि यार हमारा वर्ल्ड का क्या होगा, किसने भाई। वही सवाल बार बार भाई दिमाग में आई जा रही थी, और डर भी लग रहा था उसके साथ साथ कि यार कैसे बताऊँ यार। बहुत लाइक बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। बट हमें अपने वर्ल्ड के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भाई मैं एक बहुत ही डिफरेंट सी जगह और अलग सी जगह पर आ गया था, जहाँ पर आके भाई मुझे लगता कि मैं थोड़ा सा भी सेफ हूँ। क्योंकि यार इन बंदों ने भी भाई मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश की। और पता नहीं क्यों यहाँ पर आने के बाद ही मेरा सामान गायब हो गया सारा, लिटरली भाई सारी मेरी इन्वेंटरी क्लियर होगी, पता नहीं क्या है। और फिर मैंने बंदों से बात की और फिर मुझे भाई पता लगा एक चीज़ का। हाँ यार ये भाई बहुत सच्ची में भाई बहुत अच्छे बंदे थे, क्योंकि यार इन्होंने मुझे पूरा लाइक सेफ्टी प्रोवाइड की। देख सकते हो एक शल्कर बर्कर भाई, एक फूड भी उसमें यार। बट मुझे ये नहीं समझा कि इसमें TNT क्यों रखे थे। वेपन्स, गॉड वेपन, गॉड आर्मर भाई सब कुछ दिया था इन्होंने। और एक आपको भाई एक मिस्ट्री अभी मैं लाइक बताने वाला हूँ भाई, बहुत ही यार समझ नहीं आ रहा भाई। कुछ
कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। तो फटाफट से फिर मैंने सारे अपने टूल्स रेडी किए, आर्मर पहन लिया और सारे भाई सेट किया सामान। तो हाँ यार, इन्होंने भाई मुझे बहुत अपने वर्ल्ड में भाई सेफ फील कराया। बहुत अच्छे बंदे हैं ये, बहुत लाइक हेल्प करते हैं यार, मेरी तो लाइक बहुत हेल्प की। और यार इनसे मुझे एक चीज़ पता लगी कि यार इन्होंने मुझे बताया कि हमारा वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, तो इसलिए भाई इसने मुझे कहा कि लाइक तुम उतनी देर लाइक हमारे वर्ल्ड में रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि इन्होंने यार मुझे रोका सिंपली कि उनसे फाइट ले मत लो, कि यार बहुत बहुत खतरनाक बंदी है वो भाई। हमारा ना चुटकियों में भाई अगर उनका यार वो आ गया मेन बंदा, उसका भाई नाम अभी तक हमें पता नहीं चला, तो अब मैं मेन बंदा ही कहने वाला हूँ जिस जो यार इस चीज़ का हेड है, तो वो यार चुटकियों में हमारा वर्ल्ड ख़त्म कर देगा। तो इन्होंने भाई मुझे बताया कि हमें पूरा प्लान रेडी करना पड़ेगा, और उस प्लान को यार ये ऐसे नहीं बता रहे, तो इसका इनका ना हमें एक काम करना पड़ेगा। बट यार इतना तो लाइक कर ही सकते हैं हम, क्योंकि यार ये बहुत हमारी हेल्प कर रही है, लिटरली भाई हमारे वर्ल्ड का सवाल है इस बार तो, वरना तो भाई मैं लाइक नहीं करता। और यार वो बहुत ही खतरनाक है, उनके पास पावर्स है, और यार तो बात तो भी मारनी पड़ेगी जो यार इनका टास्क होगा। तो देखते हैं अभी क्या प्लान है, कैसे करेंगे वो भी ना उसके कमांडर्स। तो वो धीरे धीरे ना इन्होंने बताया कि सारे हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे, सारे विलेजर्स, कुछ नहीं बचेगा भाई हमारे वर्ल्ड में, तो एकदम फुली करप्टेड हो जाएगा हमारा वर्ल्ड। इसलिए हमें उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा और उनके लिए एक ट्रैप बनाना पड़ेगा, और वो भी भाई इनको ही पता है कि यार कैसे ट्रैप होगा, उनको कैसे ट्रैप करेंगे, लाइक उनसे कैसे हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो उनके कमांडर से, तो अभी इनका भी काम हमें करना पड़ेगा। तो यार ये तभी बताएंगे, क्योंकि यार इन इन ये भी भाई बहुत ही खतरे में है अभी, तो अपनी ना यार ये जान पर लाइक हथेली पर रख के भाई हमें वो चीज़ें हेल्प कर रहे हैं। बट फिर भी भाई यार बहुत अच्छे बंदे हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प कर रहे हैं। हाँ गाइस यार, अभी अगली वीडियो में पता लगेगा हमें कि क्या उनका प्लान है और कैसा लाइक हमें उनको ट्रैप में फंसाएंगे, और क्या यार ये हमसे डिमांड करने वाले हैं लाइक हमारे वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो ये तो भाई अगली वीडियो में पता लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।